हेलो नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। बहुत दिनों के बाद हम आज मिल रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। जी हाँ, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जो मुझे पूछते रहते हैं कि इतने सारे क्लासेस चल रहे हैं, इतना कुछ सीखने के लिए है, लेकिन कौन सा क्लास हमें ज्वाइन करना चाहिए, कौन से टीचर हमारे लिए बेहतर है, क्या सीखना हमारे लिए बेहतर है। तो हम आज के वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि क्लास ज्वाइन करते वक्त कौन सी चार चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, आप सीखना क्या चाहते हो? जी हाँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कई बार स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि उनको क्या सीखने की ज़रूरत है और वो क्या सीखना चाहते हैं, और इसीलिए वो लोग यहाँ क्लास ज्वाइन करते हैं, वहाँ क्लास ज्वाइन करते हैं, इतने सारे क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, और बाद में क्या होता है, टाइम, एनर्जी और पैसों की बर्बादी और पूरा कंफ्यूजन। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो सिर्फ कंफ्यूज एंड फ्रस्ट्रेटेड है बहुत सारे क्लासेस करने के बाद। तो इसीलिए पहले तो वो डिसाइड करो कि आपको क्या सीखने की ज़रूरत है। आप एब्सोल्युटली बिगिनर्स हो, आपको ब्राइडल फिगर वर्क सीखना है, आपको डिज़ाइनिंग सीखना है, आपको फ्लोरल सीखना है, क्या आपकी कमज़ोरी है, उस हिसाब से आप टीचर को सिलेक्ट करोगे। क्योंकि फैक्ट है, हर एक टीचर का, हर एक आर्टिस्ट का एक फोर्टे होता है। जैसे मेरा ट्रेडिशनल आर्ट, मेहंदी आर्ट में एक मेरा फोर्टे है जो मुझे अच्छे से आती है और मैं वो बहुत अच्छे से सिखा सकती हूँ। मैं बिगिनर्स के क्लास बहुत अच्छे से ले सकती हूँ, उनको अच्छे से सिखा सकती हूँ, लेकिन फिगर वर्क मुझे चैलेंजिंग लगता है। तो इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप क्या सीखना चाहते हो और उसी हिसाब से उस टॉपिक में जो टीचर माहिर है, जो आर्टिस्ट माहिर है, उनसे आप क्लासेस ले सकते हो। फिर दूसरा इम्पोर्टेंट थी, दूसरी बात, आप कौन सा प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करोगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन। हर एक के लिए हर एक प्लेटफॉर्म बेहतरीन नहीं होता। मैं अपनी खुद की बात करूं तो मुझे ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा पसंद है क्योंकि मेरा समय बच जाता है और मेरे लिए बहुत ही कन्वीनियंट है क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग नहीं करना पड़ता। लेकिन उसका कॉन्स ये है, ऑनलाइन क्लासेस में बहुत ही डेडिकेशन और डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। अगर वो आप नहीं दे पाते हो तो आप कुछ नहीं सीख पाते हो ऑनलाइन क्लास में, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में टीचर तो सिखा के कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आप साथ में प्रैक्टिस नहीं करते हो, अपना वर्क करेक्शन नहीं करवाते हो, और ऑनलाइन में जिस तरह से वो करेक्शन करवाते हैं वो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो, तो आप अच्छे से ऑनलाइन क्लासेस में नहीं सीख पाते हो। तो ऑफलाइन क्लासेस, अब हर कोई ऑफलाइन क्लासेस के लिए ट्रैवलिंग नहीं कर सकता। जैसे मैं सिंगापुर में रहती हूँ तो मैं इंडिया हर वक्त नहीं जा सकती ऑफलाइन क्लासेस के लिए, क्योंकि बहुत एडिशनल ज़्यादा मेरे खर्चे भी बढ़ जाएंगे, ट्रैवलिंग टाइम वगैरह भी बढ़ जाएगा। फिर कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, हमारे टाइमिंग होते हैं, इस वजह से भी हम ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सकते। लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ ऑफलाइन क्लास ही बेहतर लगते हैं क्योंकि वो इन पर्सन टीचर से ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। तो ऑनलाइन या ऑफलाइन, कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए सही है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। फिर तीसरा पॉइंट है बजट। जी हाँ, बजट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हो उस क्लासेस के लिए। उस बजट को ध्यान में रह के कौन से क्लासेस चल रहे हैं, आपको क्या सीखना है, कौन सा टीचर सिखा रहा है, कौन सा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, वो आप सिलेक्ट करोगे। बजट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर चौथा जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्लास की साइज़। ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए शायद ना हो, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ भी सीख पाते हो या सीख सकते हो, लेकिन अगर मैं कोई क्लास ज्वाइन करती हूँ तो मेरा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि क्लास की साइज थोड़ी छोटी होनी चाहिए। मैक्सिमम 20 स्टूडेंट, वो भी मुझे ज़्यादा लगते हैं, लेकिन फेयर इनफ है कि एक साथ सीख रहे हैं। अगर वो है ऑफलाइन क्लासेस है तो मेरे लिए क्लास की साइज इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा लॉजिक ये कहता है कि अगर 2 घंटे की क्लास है और हाइपोथेटिकली इमेजिन कीजिए कि 100 स्टूडेंट है, तो
तो वो टीचर मुझे कितनी मिनट्स दे पाएगी, ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। नहीं दे पाएगी, वो मुझे एक मिनट भी नहीं दे पाएगी अपनी, क्योंकि उनके पास 100 स्टूडेंट है। तो इसीलिए मेरे लिए ये थोड़ा चैलेंजिंग पार्ट है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि क्लास का साइज स्मॉल हो, तो मैं टीचर के साथ पर्सनल लेवल पर इंटरेक्ट कर पाऊँ, मैं जो भी क्वेश्चन पूछूँ वो मुझे अच्छे से समझा पाए, मुझे समझ पाए, और मेरा काम जो मैं उनको सेंड करती हूँ वो इमिडिएटली मुझे चेक करके भेज पाए, ताकि मैं मुझे वेट ना करना पड़े, मुझे करेक्शन अच्छे से मिल जाए। इसीलिए मेरे लिए क्लास की साइज इम्पॉर्टेंट है। बाकी तीन चीज़ों में अगर मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकती हूँ, लेकिन क्लास की साइज में मैं कॉम्प्रोमाइज करना पसंद नहीं करती। इंडिविजुअल है, आपकी चॉइस है। अगर आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो इस पॉइंट को आप इग्नोर कर सकते हो। तो ये जो चार इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने आपसे शेयर किए हैं, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने से पहले कौन सी चार चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक, आप सीखना क्या चाहते हो और उसी हिसाब से कौन सा टीचर उसका एक्सपर्ट है उसके क्लास ज्वाइन करो। दूसरा, प्लेटफॉर्म कौन सा आपको अच्छा है, परफेक्ट है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। हर कोई ऑनलाइन में सीख नहीं सकता और हर कोई ऑफलाइन में सीख नहीं सकता। तीसरा, आपका बजट क्या है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, उसी से आप सिलेक्ट कर पाओगे कि आप जो सीखना चाहते हो, जो टीचर वो सिखा रहा है, जो प्लेटफॉर्म पे वो अवेलेबल है, वो आप अफोर्ड कर सकते हो या नहीं। और चौथा, क्लास की साइज, जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, मुझे स्मॉल क्लास की साइज पसंद है, ताकि मुझे टीचर का पर्सनल अटेंशन मिले और मेरी जो भी क्वेरीज हैं, जो कन्फ्यूज़न है, वो पर्सनली वो आराम से मुझे टाइम दे के सॉल्व कर पाए। तो आई होप अगर आप फ्यूचर में आपको कोई भी क्लास ज्वाइन करना है, मेहंदी का नहीं कोई और भी क्लास ज्वाइन करना है, तो ये गाइडलाइन आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो इसी के साथ मैं वीना आपसे विदा लेती हूँ। बहुत जल्दी, प्रॉमिस करती हूँ, बहुत जल्दी हम वापस मिलेंगे नए नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड कीप इंस्पायरिंग एवरीवन। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।